हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम बनाएंगे गुजिया, क्योंकि होली आ रही है। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और ये हमने मावा घर में ही बनाया हुआ है। इस मावा को थोड़ा सा गर्म करेंगे। देखिए मावा गर्म हो गया है। अब इसमें ये हम नारियल का चूरा डालेंगे। काजू डालेंगे, बादाम डालेंगे, इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे, पीसी हुई चीनी, और इसको मिक्स करेंगे। चाहें तो इसमें थोड़ी सी सूजी भी मिक्स कर सकते हैं और प्योर खोए की भी बना सकते हैं। अब देखिए गरम हो गया है। अब इसको हम बॉल में पलटेंगे। अब हम आटा गूंदेंगे। ये 2 कप मैदा लूंगी, 1 कप और डालेंगे। 2 कप मैदा लिए मैंने, इसको छानेंगे। अब 1.5 कप जो है ये मैं रिफाइंड लूंगी। रिफाइंड भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, डालडा घी भी ले सकते हैं आप। इसको मिक्स करेंगे। अब देखिए ये ऐसे बाइंड हो रहा है। ये इसका मतलब इसमें इसकी मात्रा सही है, ऐसे बाइंड होना चाहिए। अब देखिए ये हमने मिक्स कर दिया है और ये देखिए ऐसे बाइंड हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो है घी, ऑयल या किसी की भी मात्रा बिल्कुल सही है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। ये मैंने हल्का गर्म पानी लिया है और इसको मैदे को टाइट ही गूंदना है, ढीला नहीं गूंदना है, सख्त गूंदेंगे। अब देखिए ये हमारा आटा जो है गूंद गया है और इस आटे को जो है टाइट रखना है, ऐसे पतला नहीं रखना है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 1 चम्मच में थोड़ी सी मैदा लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका थोड़ा सा घोल बनाएंगे। फिर ये घोल लगाएंगे चारों तरफ। म
मावा भरेंगे। और इसको बंद कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा मैदा है ये अलग निकल जाएगा। देखिए हमारी दूसरी गुजिया भी तैयार होगी। ऐसी करके हम सारी बना लेंगे। ये देखिए हमने सारी गुजिया बना ली हैं। अब हम इसको तलेंगे। तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें गुजिया छोड़ेंगे। हम देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसको हम निकालेंगे और डालेंगे। ऐसे करके हम सारी बना लेंगे। अब हमने सारी गुजिया बना ली हैं और हम एक और दूसरी तरह की स्वीट बनाएंगे। शुरू करते हैं। ये देखिए हम ऐसे लंबे में बेल लेंगे इसको। लंबे में बेल कर यहाँ से कटिंग करेंगे। बीच से थोड़ा छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे कटिंग करते जाएंगे। और ऐसे ही हम इस साइड से काट लेंगे। और फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ये ऐसे फोल्ड करके ये ऐसे आ गया है। अब हम इसको बीच से कट कर देंगे। अब ये ऐसा हो गया। देखिए ये फ्लावर टाइप हो गया। ऐसे करके हम सारे बना लेंगे। ये भी ऐसे ही करेंगे। इसको नीचे से जॉइंट कर देंगे और ये इसकी जो पत्तियां हैं ये ऐसे हम निकाल देंगे। ये देखिए ये भी ऐसे हो गया। ऐसे करके हम सारे बना लेंगे। ये देखिए इसको भी ऐसे कट करेंगे। बीच से थोड़ा छोड़ देंगे। इसको भी ऐसे कट करेंगे। तरफ से अब इसको हम फोल्ड करेंगे। ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड हो गया। अब बीच से हम इसको काट लेंगे ऐसे करके। अब ये देखिए इसको हम ऐसे करके खोल देंगे। ऐसे करके हम सब बना लेंगे। ये देखिए इसको भी ऐसे करेंगे। ये देखिए
ये हमने ऐसे करके बना दिए हैं, अभी और बनाएंगे। ये देखिए हमने अब सारे बना लिए हैं, तो हम इनको तलेंगे। ये देखिए हो गए हैं, अब हम इनको निकालेंगे और डालेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे, एक कटोरी चीनी लेंगे, एक कटोरी ही हम पानी डालेंगे, चाशनी बनाएंगे इसकी। अब ये देखिए हमारी चाशनी बन गई है, हम थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करेंगे। और इनको सबको डाल देंगे इसमें चाशनी में। इनको जो है हम आधे घंटे के लिए चाशनी में डाल के रखेंगे। देखिए हमारी गुजिया और स्वीट तैयार हो गई है, और आप सब फ्रेंड्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।